समय के अनुकूल जो बदलाव हुए हैं वो बदलाव का उपयोग दो सिद्धि के लिए किया जाए, इसके लिए ये बिल लाया गया है। और जो लोग ह्यूमन राइट की दुहाई दे रहे हैं उनको मैं ये भी कहना चाहता हूं, मेरा करबद्ध निवेदन है कि उनके भी ह्यूमन राइट की चिंता करिएगा जो अपराधियों से प्रताड़ित होते हैं। क्या उनका ह्यूमन राइट नहीं है? किसी बच्ची पर रेप हो जाएगा, किसी की हत्या हो जाएगी, किसी की गाड़ी कमाई को कोई लूट कर लूट खसोट कर ले जाएगा, उसके ह्यूमन राइट नहीं है? आपको चिंता है लूट खसोट करने वाले की, आपको चिंता है बलात्कार करने वाले की, आपको आप सुनिए सुनिए सुनिए, उसी के ह्यूमन राइट की बात हो रही है यहां पर। मगर मैं ये कहना चाहता हूं, ये नरेंद्र मोदी सरकार है साहब, जो कानून के अधिकार कानून के हिसाब से जीने वाले लोग हैं उसके ह्यूमन राइट की चिंता करना सरकार का दायित्व है और इससे कोई नहीं रोक सकता। ह्यूमन राइट के कई मायने होते हैं, एक ही चश्मे और एक ही नजरे से ह्यूमन राइट को नहीं देखा जाएगा। जो लोग कानून के हिसाब से जीते हैं, गाढ़ी मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाकर अपनी संपत्ति अपने बच्चों के भविष्य के लिए इकट्ठा करते हैं, कोई जाकर उसको झांसा देकर ले जाता है, कोई चोरी कर ले जाता है, कोई लूट कर ले जाता है, किसी की हत्या कर दी जाती है, उन लोगों के कोई ह्यूमन राइट नहीं है? जो पीछे छूट जाते हैं वो परिवारजनों का कोई ह्यूमन राइट नहीं है? उनका भी ह्यूमन राइट है और उसकी ह्यूमन राइट की चिंता करने की जिम्मेदारी आप मानो न मानो हम मानते हैं कि हमारी है, इस सदन की। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने शुरुआत में एक ब्रॉडर बात सदन के सामने रखी है कि ह्यूमन राइट को एक ही चश्मे से नहीं देखा जा सकता, ह्यूमन राइट को देखने के कई एंगल होते हैं और ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन के भी कई एंगल होते हैं। मैं बहुत फर्मनेस के साथ दृढ़ता के साथ कहना चाहता हूं, ये बिल देश के करोड़ों लॉ ओबीडियंट नागरिकों के ह्यूमन राइट के अधिकार का रक्षण के लिए मैं लेकर आया हूं। इसको कोई अन्यथा पेंट करने का प्रयास न करें। Presenting the news app available on Google Play and App Store. Download it now.